तो जीवन में जो परेशानियां आई हैं वो हमारी आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए आई। तो परेशानियों से डरो मत, हिम्मत से काम लो, परमात्मा हर पल तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो एक ही है वो, ये शरीर हो ना हो वो तो हर पल आपके साथ है, आदि से लेके मध्य से लेके अंत तक। जब तक आत्मा है तब तक वो परमात्मा भी है, हम उसी अविनाशी के अंश है। बार 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 अपने अंदर ये होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तभी हम कुछ बढ़िया कर पाएंगे। तो ध्यान आपके ज्ञान को और मजबूत बनाता है। हमारा ध्यान परमात्मा में ही लगा है तो वो तो अनंत ज्ञान का सागर है, वो अनंत सुख का सागर है, परम आनंद का सागर है। जहाँ ध्यान लगा वही चीज आई, तो वो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान हमारा जागृत हो जाएगा। जैसे हम परमात्मा का ध्यान लगाएंगे हमारा ज्ञान खत्म होगा, ज्ञान जागृत होगा। ध्यान आपके अंतरात्मा को शुद्ध करता है, ध्यान आपके अंतरात्मा को शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस पावर हाउस से जुड़े तो आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य चित्त आनंद है, सत्य चित्त आनंद। तो हम भी जिससे जुड़े हैं वो परमात्मा अरब अरबों खरबों हजारों सूर्यों का एक संकल्प से बनाने वाला, जितनी सेकंड जितनी देर उनसे जुड़े हम भी सत्य चित्त आनंद बनते हैं। तो हमारा ध्यान हमारे अंतरात्मा को शुद्ध बनाता है, चैतन्य बनाता है, जागृत बनाता है।